Hello students, I am Utpal sir. At present, I would like to thanks with congratulation to you because as per your kind request, I have been taking online classes from the first day of lockdown due to COVID-19 on behalf of our Just Study Club Training Center, Srirampur Smart Center. So, and I also hope all of you are very well with your parents, and as per our opinion and request, at present you have to stay at your home with your parents for good health on behalf of our Just Study Club Training Center, Srirampur Smart Center. So, and I will also hope all of you are watching our online classes daily, and you have been participating our online classes from the first day of lockdown. So तुम लोग जो CPA अप्रैल में 2020 का जो बैच तुम लोगों को रिक्वेस्ट में हम लोग ऑनलाइन में लॉकडाउन के लिए जो क्लास हम ले रहे हैं, तो ऑन बिहाफ ऑफ आवर जस्ट स्टडी क्लब ट्रेनिंग सेंटर, तो सबसे पहले तुम लोगों को हम धन्यवाद देना चाहिए चाहूँगा, इसीलिए कि तुम लोगों के रिक्वेस्ट में ये क्लास हो रहा है। तो ठीक है, हम पिछले कई क्लासों में कई टॉपिक्स रिलेटेड मोर देन मैनी टॉपिक्स मैंने डिस्कस किया है, तो आज जो नए टॉपिक्स हम चुना है उसको कहते हैं बैंकिंग। इसको बैंकिंग एंड फाइनेंस भी कह सकते। तो बैंकिंग और फाइनेंस जो है उसका एक कंटेंट है, और वो कंटेंट हम स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। तो पहले इस कंटेंट को अच्छी तरह से समझना है और तुमको नोट डाउन करना है। तो कंटेंट क्या है, कंटेंट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। नंबर वन, यू हैव टू नो द डेफिनेशन ऑफ बैंक। तो देन प्रिंसिपल फंक्शन ऑफ बैंकिंग, देन यू हैव टू नो क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक्स, देन यू हैव टू नो द सोर्स ऑफ फंड, देन यू हैव टू नो द सोर्स ऑफ इनकम ऑफ बैंक, देन यू हैव टू नो द क्लासिफिकेशन ऑफ बैंक अकाउंट्स, ये तो देन यू हैव टू नो द इंस्ट्रूमेंट ऑफ बैंक अकाउंट्स, तो एंड देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यू हैव टू रिकॉन्साइल द बैंक स्टेटमेंट विथ द बैंक बुक्स विथ योर कंपनी बुक्स, एंड देन बैंक रिलेटेड ट्रांजेक्शन क्या है उसको भी देखना है, एंड लास्ट वो जो है बैंक रिलेटेड अकाउंट्स इन टैली ERP 9। इसका मतलब है टैली ERP 9 में हम बैंक रिलेटेड अकाउंट्स को कैसे मेंटेन करने कर पाएंगे वही हमको स्टेप बाय स्टेप देखना है। तो ये जो बैंकिंग है कंपनी के लिए वेरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जरूरी है, और इसीलिए जे कंपनी का जो जितना सप्लायर है और कस्टमर है, अगर बैंक थ्रू से उसका पेमेंट और उसका रिसीप्ट हम लिए तो उसका हमारा एक्चुअल बैंक बैलेंस कितना है वो हमको कंपनी को इंफॉर्मेशन देना चाहिए। तो हम कैसे दे पाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो बैंक रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसको पहले समझना है, बाद में टैली में कैसे हम कर पाएंगे वही हम दिखाएंगे, तुम देखते रहो।